हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल आई एम सी एस रेतु आज का वीडियो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं जून क्वार्टर के रिजल्ट्स मार्केट आर्स के बाद कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं कैसे नंबर आए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जून क्वार्टर में नंबर्स एनालिस्ट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कैसे हैं और अब हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए ये जानेंगे हम इस वीडियो में सो so, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंपनी ने कंसोडेटेड रेवेन्यू जून क्वार्टर में रिपोर्ट किया है ट्वेंटी का, का 24, करोड़ का कंपनी so का रेवेन्यू लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ट्वेंटी ईयर से रेवेन्यू में स्लाइट इंक्रीज है अराउंड का इंक्रीज कंपनी ने अपने रेवेन्यू में लास्ट ईयर से रिपोर्ट किया है बट लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 29,131 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था सो मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है सेल इंडिया लिमिटेड का टोटल एक्सपेंसेस सेल इंडिया लिमिटेड ने जून क्वार्टर में रिपोर्ट किए हैं ट्वेंटी करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस लास्ट ईयर जून क्वार्टर से इंक्रीज हुए हैं बट मार्च क्वार्टर से कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस में डिक्लाइन रिपोर्ट किया है एक्सेप्शनल आइटम कंपनी ने जून क्वार्टर में रिपोर्ट नहीं किए हैं आफ्टरऑल टैक्सेस कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है जून क्वार्टर में टू करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर जून क्वार्टर से भी गिरा है एंड मार्च क्वार्टर से भी गिरा है लास्ट ईयर जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 804.5 करोड़ का सो लास्ट ईयर जून क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें कंपनी का नेट प्रॉफिट 74% परसेंट गिर गया है एंड मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1159 करोड़ का मार्च क्वार्टर से भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा डिक्लाइन दिखा रहा है प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है इसी वजह से अर्निंग पर शेयर में भी डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है जून क्वार्टर में ईपीएस आया है 0.51 पॉइंट जो कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1.95 था एंड मार्च क्वार्टर में 2.81 का था कंपनी के नंबर्स को एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से अगर हम कंपेयर करें एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कंपनी का नेट प्रॉफिट आ सकता है टू करोड़ का नेट प्रॉफिट सेवेंटी डिक्लाइन होगा ऐसा एनालिस्ट का एस्टिमेट था कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है टू का सो so कंपनी का नेट एनालिस्ट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कम रहा है एंड रेवेन्य एस्टिमेट था की रेवेन्यूर था ने रेवेन्यू आ सकता है कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 24,359 करोड़ का सो कंपनी का रेवेन्यू एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आया है एंड एबिट्टा से एनालिस्ट का एस्टिमेट था कि कंपनी का एबिटा 1840 करोड़ का आ सकता है एबिटा so 20 परसेंट डाउन रहेगा लास्ट ईयर जून क्वार्टर से एंड एबिट्टा मार्जिन के लिए एनालिस्ट का एस्टिमेट था कि कंपनी का एबिट्टा मार्जिन 7.6 परसेंट आ सकता है एनालिस्ट का यह भी एस्टिमेट था कि कंपनी लॉस भी रिपोर्ट कर सकती है जून क्वार्टर में बट सेल इंडिया लिमिटेड ने प्रॉफिट ही रिपोर्ट किया है जून क्वार्टर में भी हालांकि प्रॉफिट में डिक्लाइन कंपनी ने अच्छा खासा रिपोर्ट किया है एबिट्टा वाइज अगर देखें एबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट किया है टू करोड़ का एनालिस्ट का एस्टिमेट था वन करोड़ के एबिट्टा का सो एबिट्टा वाइज एनालिस्ट के एस्टिमेट को कंपनी के नंबर ने बीट कर दिया है रिजल्ट की हाईलाइट जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए रिजल्ट्स की हाईलाइट अगर हम देखें क्रूड स्टील का प्रोडक्शन कंपनी ने 4.67 मिलियन का रिपोर्ट किया है क्रूड स्टील का प्रोडक्शन लास्ट ईयर जून क्वार्टर से हुआ है लेकिन मार्च क्वार्टर से डिक्लाइन है सेल्स वॉल्यूम कंपनी ने रिपोर्ट की है थ्री मिलियन टन की सेल्स वॉल्यूम में भी सेम है लास्ट ईयर जून क्वार्टर से इंप्रूवमेंट है बट मार्च क्वार्टर से डिक्लाइन है रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है ट्वेंटी करोड़ का अबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट किया है टू जीरो नाइन जीरो करोड़ का एंड प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है टू जीरो टू करोड़ का कंपनी का टर्नओवर सिर्फ वन परसेंट ही बढ़ा है प्राइस रियलाइजेशन में डिक्लाइन की वजह से कंपनी ने यह भी बताया है जैसे ही चोकिंग कोल के प्राइस स्टेबलाइज होंगे और मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव होगा कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे आगे आने वाले क्वार्टर में सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नंबर एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे नहीं आए हैं बट कंपनी ने इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट ही रिपोर्ट किया है अगर आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर का टेक्निकल एनालिसिस भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग